हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी 69th BPSC की जो परीक्षा है आज हुई है 30 सितंबर को, उसका सेट बी हमारे पास आया है और सेट बी का आंसर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप ध्यान से उसके प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर को भी मिलाएंगे और ऐसा करते हैं कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस भी थे, अभी एलेक्जेंडर भी थे और इसमें जे एंड्रयू नहीं थे। पहला का आंसर ए हो जाएगा, ए आपका सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है सुरक्षा बॉल का सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, सेफ्टी बॉल थ्योरी। सेफ्टी बॉल थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, आंसर सी होगा इसका। इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है कि कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, यह पहली बार यह अधिवेशन मार्च में हुआ था और इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 1857 के विद्रोह में विफलता कौन कौन कारण है, ये क्यों अनसक्सेस हुआ? तो इसमें अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो थी ही, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, विचारधारा नहीं थी उस समय, समाज के सभी वर्गों का समर्थन भी नहीं था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जमींदार लोग इसके समर्थन में नहीं थे। तो तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त से भी, तो 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बिहार का रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी को रक्षा किया था जहर मिले भोजन से जान बचाई थी, ये बत्तख में यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आया है और ये लोगों को बताया भी गया था इस तरह से क्वेश्चन पहले भी, है ना। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन, बकास भूमि के लिए आंदोलन किया गया था, ये स्वामी सजन उसे सती ने किया था। ये इन्होंने बिहार में कृषि आंदोलन को, कृषकों के आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया कृषक आंदोलन में और बकास भूमि की वापसी के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ से लड़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसमें आपको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, तो होम रूल मूवमेंट तो 1916 का है, शुद्ध फूट है 1907 का है, खेड़ा 1918 का है, मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स 1909 का है। तो इस प्रकार अगर इसको अरेंज करेंगे तो 2, 4, 1 और 3 ये ऑप्शन आपको सामने आ रहा है, तो 7th में ये ऑप्शन आपका सी में है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन के बारे में कहा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन ने स्टैच्यू कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, बर्नाकल प्रेसिडेंट सारे उसने लाया था, लेकिन कौन नहीं है पूछ रहा है। गिलबर्ट विधेयक, गिलबर्ट बिल रिपन के समय में हुआ था, ये रिपन के समय में 1882 का था, इसलिए अथवा का आंसर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और इसके जस्ट बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी पटना में, पूछता है कि कब स्थापना हुई थी, कारखाना स्थापना हुई थी, क्वेश्चन नंबर 10 में, ये 1732 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांधी जी, तो कॉमन क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, भूख हड़ताल के को प्रयोग किया था उन्होंने अहमदाबाद हड़ताल में, ये 1918 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत आंदोलन दौरान जो बिहार केसरी के रूप में प्रसिद्ध, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार के प्रथम सीएम भी रह चुके हैं, उनका नाम आता है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में जन आंदोलन की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान कौन सा कदम उठाया था? तो एक इसमें पहला है कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया चंपारण को, एकदम गलत है, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया, मार्शल लगाया गया। डी में चंपारण कृषि समिति की स्थापना करना, ये चंपारण एग्रीग्रेन कमेटी वॉज एस्टैब्लिश, ये डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में आपका भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले का तद्वोधन सभा, देवेंद्र टैगोर का आत्मीय सभा, राधा मोहन राय का है, तो 2, 1 और 3 ये ऑप्शन आपका आता है और ये ऑप्शन बी में है, इसलिए आंसर बी होगा। अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी थी, ये फ्रीडम फाइटर थी, महिला थी और ये कर्नाटक में थी, इसलिए 15 का आंसर डी होगा। 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में इसे रीजनिंग है, रीजनिंग में इसका आंसर बी होगा। इसी प्रकार 17 में जो आपका सीरीज है, तो इस सीरीज का आंसर होगा ये WCJJ
और उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 में ये इसको मेट कैसे लिखा जाएगा, ये स्टार प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये परसेंटेज का साइन है, डी आंसर सही होगा। 20 में है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कि ये एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ये आंसर ए होगा। 21 में है, 21 का आपका इसमें सूरज की भूमि एम एस से अधिक है, ये ए आंसर सही होगा। 22 में स्नोबेरी जो है मिलेनी तोपियाँ होती है, ब्रेबरी भी शराब से रिलेटेड है, स्नोबेरी कागज से रिलेटेड है, स्नोबेरी जो है ये जूते से रिलेटेड नहीं है, ये असभ्यता से रिलेटेड है, लेकिन ये जूते जो दिया है ये गलत है। 23 में है, ये आपका सीरीज से जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में आपका आंसर होगा 182। 25 में है, सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 25 का आंसर जो है कहता है कि केवल जो कथन दिए हुए हैं, कथन एक केवल एक जो है कथन का अनुसरण कर रहा है, इसलिए ये वाला सही है, बी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बिजली का कुचालक इसमें से कौन है, तो ये जो है सारे बिजली के कुचालक हैं, कोई भी कुचालक इसमें नहीं है, 26 का डी होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स की खोज तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था, सिंपल है। 27 का बी। 28 में आपका अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तुओं का चंद्रमा किस तरह से पास होता है गिराई जाएगी, तो एक किसी भी एक क्षण एक ही वेग हो, एक ही वेग से वो गिरेगी नीचे, एक क्षण होगा। इसका वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, ये 29 है, 29 का होगा, इसमें सीधे कोशिकाओं प्रवेश कराकर उसके स्पाइक प्रोटीन के, ये ए होगा, 29 का ए। लगातार नई परत जोड़ने वाली, इसमें आपका सबडक्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा नेत्र धीमे प्रवाहित होते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। 31 का डी। इसी प्रकार से आपका जो 32 में है, ये मैसेंजर है, न्यूक्लियर एसिड है, और एसी करंट बेसिकली जो होते हैं चौक निकुंडली के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 34 में धारा घनत्व आपका करंट डेंसिटी जो है वेक्टर है, सदिश राशि है, 34 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण कर उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये 35 का ए होगा। 36 में आपका ये प्रतिक्रिया दर को धीमा करने के लिए, ये इसमें से कोई नहीं है, डी आंसर है। अगर इनपुट और आउटपुट जो तंत्रिकाएं होती हैं, 37 में इसमें से भी ये तीनों में सही नहीं है, डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क में इंटरनेटिंग एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइडिंग तीनों सही होगा, इसलिए ए आंसर है, 38 का ए। 39 में आपका 39 का इसको आप मैच करेंगे तो कैसनी ह्यूजेंस जो है ये शनि और उसके ग्रह से रिलेटेड है, जूनो की बृहस्पति है ना की खोज के लिए था, आर्टेमिस चंद्रमा से मंगल तक की खोज के लिए था, बेटा शुक्र की खोज के लिए था, तो 2, 1, 4, 3 ये ऑप्शन आपका बी में है, जो बी इज द करेक्ट आंसर, 39 का बी। 40 में आपका लिनन जो है जुड़ा हुआ, सन के पास जुड़ा हुआ, जटा नारियल के पौधे से जुड़ा हुआ है, मोहायर अंगोरा बकरी से रिलेटेड है, डाउन जो बत्तख और गिज के पंख से, ये भी यहाँ भी 2, 1, 4, 3 है संयोग से, 2, 1, 4, 3 ये ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, 40 का डी। और 41 में ये टैपवर्म की बात है, सेलियम टेन का और टेनिया एसिड का कारण होता है, जब मस्तिष्क विकसित होता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिटिसिस कोर्सिस कहा जाता है, ये सही है, दोनों सही, एक और दो दोनों सही है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 में आपका कंप्यूटर की भाषा के बारे में बात कर रहा है, तो 42 में आपका ये है कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्रिल जावा ये सब लैंग्वेज है, डी आंसर में होगा। 43 में हाल ही में जो चैट जीपीटी है, जीपीटी को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव प्री टेंडर ट्रांसफर, ए 43 का ए। 44 में आप देखेंगे जीव के बारे में बात कर रहा है, तो जीव में जो है वहाँ पर तो मीठा होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है, मसालेदार का कोई टेस्ट नहीं होता है, उमामी भी बीच में होता है, खट्टे भी होते हैं, तीखा का भी यहाँ पर, ये नहीं तो 4 और 7
करेक्ट आंसर है इसका डी आंसर होगा। 45 में आपका सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, आपका डिस्पेनिया सांस तकलीफ है, ये गंदगी, ये दोनों सही है, 3 और 4 आपका सही है, ए आंसर करेक्ट होगा। 46 ब्रह्मांड में पल्सर जो है किसी तारे को सजी रेडियो तरंगे हैं, ये 46 का ए। 47 में आपका जो है हीरे की खोज में किसका प्रयोग किया जाता है विस्तृत हीरे के लिए, तो ग्रेफाइट की उपयोग होता है, 47 का डी। 48 ब्लू प्रिंट जैकेट को बनाने के लिए कैबरा का प्रयोग होता है, ये सामान्य क्वेश्चन है। 49 में है, इसमें जो दिया हुआ है कि HMSX का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई मल्टी एक्सप्रेसिव, ये आपका आंसर केवल एक सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। और 50 में है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम था ऑप्टिमस 50 का, ये होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का आंसर अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, बाकी अन्य क्वेश्चन जो हैं वो तुरंत इसके बाद दूसरा वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए गए थे उसे मिलते जुलते हैं। हमें आशा है कि आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। धन्यवाद।